सिर्फ एक नगर निगम में हमारे विधायक जी ने, मंत्री जी ने, सांसद जी सब यही के हैं ना। अगर सब मिलकर के कमेटी बनाए, सब मिलकर के एक योद्धा के तरह खड़े हो तो दरभंगा हमारा मिथिलांचल नंबर वन पे होगा। लेकिन यहाँ पे तब सब अपनी अपनी राजनीति कर लेते हैं, बीजेपी पार्टी ये वो कर देते हैं, कांग्रेस ये नहीं। तो ये तो मामूली का बरसात है, इसको भी खेप लेंगे आप, समय रहते ही वो जल्दी सुधार क्यों रहे क्यों। बीते दो दिन पहले हुई भीषण बारिश के बाद जिस प्रकार से दरभंगा शहर जलजमाव से डूब गया था, उसके बाद लगातार निगम के प्रतिनिधि और पदाधिकारी आम जनता से लेकर विपक्षी नेताओं के निशाने पर है। लेकिन इन सब के बीच अब जो जल निकासी का काम निगम की तरफ से किया जा रहा है वो भी आपको दिखाना जरूरी है। दरभंगा के DMCH में हुए जल जमाव का मुद्दा तो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। इसी को लेकर खुद उप महापौर नाजिया हसन निगम की पूरी टीम के साथ DMCH परिसर को जल जमाव से मुक्ति दिलाने का हर संभव प्रयास शुक्रवार को करती दिखाई पड़ी। इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार निगम के दमकल पानी निकासी के लिए लगाए गए हैं, वहीं शहर को अस्थायी रूप से कैसे जल जमाव की समस्या से मुक्ति मिले इसको लेकर देर दोपहर निगम के सभागार में उप महापौर की अध्यक्षता में घंटों निगम के सभी विभाग के अधिकारी, पदाधिकारी, जोन प्रभारी और अन्य कर्मियों के साथ मंथन हुआ, जिसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए सुनाते हैं। नहीं मैडम, आपकी अध्यक्षता में आज बैठक हुई है, किन चीज़ों पर लेकर आज बैठक हुई? अभी तो सिर्फ सबसे पहला मुद्दा हमारा अभी फिलहाल का है बस पानी जल निकासी का, इसी पर बैठक हुई हम। क्या कुछ चर्चा हुआ? जी चर्चा हुआ, हमारे सारे वार्ड 48 के जिम्मेदार थे, तीनों जोन प्रभारी थे, रात्रि जोन प्रभारी थे, चारों जोन प्रभारी, नगर निगम के हमारे कार्यभंता इंजीनियर सेक्शन के थे, सिटी मैनेजर थे, यानी नगर निगम के सभी स्टाफों के साथ हमारी एक बैठक हुई थी। तो मैडम बरसात से पूर्व हर वर्ष कई बैठकें होती है, दिशा निर्देश दिया जाता है, लेकिन थोड़ी सी बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है? देखिए एक तो सबसे पहला हम आपको बताएंगे कि ये पहली बार का नहीं है, ठीक है। किस तरीके से हम लोग बचपन से लेकर के आज तक झेलते आए हैं जल जमाव से पानी से, बस यही उद्देश्य था इस मरतब जो हमारे नीतीश जी ने ये जो सोच करके एक उद्देश्य निकाला कि जनता वोटिंग, जनता के हित के लिए जो पब्लिक उतर सके, ऐसे आम इंसान पे एक मौका मिलना चाहिए। मैं उनके सौभाग्य, उनका मैं धन्यवाद मानती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया। तो ये मैं बैठक और मीटिंग ही मेन उद्देश्य नहीं है, मेन उद्देश्य है काम। तो ये जो काम करने का सिलसिला है, तो अभी फिलहाल मुझे आए हुए कुछ मंथ हुए हैं, ठीक है, जानकारी समझना बूझना कहाँ पे क्या है नहीं है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। मेन है ये जल निकासी, ये अगर हम लोग शुरू से ही हम लोग है ना जल निकासी पे फोकस कर रहे थे, जब से हम आए तब से कंटिन्यू हमारे जोन प्रभारी या जिम्मेदार आप पूरे नगर निगम के जितने भी हैं कार्यभंता सब लगे हुए थे कि इस चीज़ को ऐसा मुद्दा ना आए, ऐसा प्रॉब्लम ना हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं हम दोस्त अपने आप का भी देंगे और जनता का भी देंगे, अगर जनता हमारा सहयोग समय रहते हुए देती तो आज ये नौबत मिलवाती। आप देख सकते हैं अतिक्रमण, जहाँ पर 8 फीट नाला था वहाँ पर 2 फीट कर दिया गया, 1.5 फीट कर दिया गया है और उसको चबूतरा बना दिया गया है, नाली जाम हो गया, पानी निकलेगा तो कैसे निकलेगा। एम्स निर्माण हो रहा था, एम्स निर्माण के जगह पर देखिए जाके कितना हाइट मिट्टी हो गया है, आखिर वो पानी कहाँ आएगा, हमारे शहर में आएगा, इधर ही आएगा, DMCH कैंपस में आएगा, इधर नगर निगम की तरफ आएगा, उसको जब जगह नहीं मिल रहा है, निकलने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है तो किधर आएगा, जल जमाव तो होगा ही। तो ये कहीं ना कहीं जनता भी थोड़ा बहुत दोषी है कि सब चीज़ की सुविधा तो उनको मिलती है तो थोड़ा कठिनाई से ही कम से कम नाला का आप क्लियर करके रखिए, रास्ता रखिए, आप चबूतरा बनाए ऐसे हाइट पे बनाए कि आराम से नाली सफाई हो सके, तोड़ने का नौबत ना हो सके। लेकिन ऐसा है अभी कंटिन्यू 7 बजे से मैं घर से निकली हुई हूँ, 10 बजे से मैं कंटिन्यू अपने सऊद साहब के साथ हूँ, इंजीनियर सेक्शन प्रभात जी के साथ हूँ कंटिन्यू, मैं अभी जस्ट 3 बजे मीटिंग थी तो मैं नगर निगम पहुँची हूँ। तो ये कहने का मतलब है कंटिन्यू हम लोग है, लेकिन जहाँ पे जनता को सहयोग करना चाहिए था वो सहयोग नहीं कर रहे हैं।
क्या कह रहे हैं, ये ग्रामीण है, ये शहरी है, इधर का पानी इधर नहीं आने देंगे, चाबी छीन लेते पंपलेट, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारा जो 200 जगह जो पंपलेट लगा हुआ है, बोरिंग लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही। तो हम कह रहे हैं कि बिना सहयोग के, बिना साथ के कुछ नहीं हो सकता है। जनता भी साथ दे, सहयोग करे, जिस तरीके से नगर निगम के सारे पदाधिकारी से लेकर कि सफाई कर्मी है तो साथ दे रहे हैं, तो जनता भी संयम दे साथ दे। तो आपका सीधा सीधा ये कहना है कि जनता आपका साथ नहीं दे रही? नहीं नहीं, जनता साथ दे रही है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, आप देखिए आप मीडिया कर्मी है, बात को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। जनता तो कंटिन्यू हमारा साथ दे रही है, लेकिन जनता उस समय पर साथ दे देती जब उनके साथ ये हो रहा था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया, हॉस्पिटल बना लिया, नाले को पूरा कवर कर लिए, कोई दुकान डाल लिए, रेडीमेड शॉप डाल लिए, दुकान नाला को पूरा एकदम कर लिए, अपना घर जमीन ले लिए हैं, नाला का नहीं सोचे, सब चीज़ सोच समझ के आप ये काम करें ना, तो ये आज बाधा नहीं होती। तो अब इसी चीज़ सब चीज़ का निदान होगा, लेकिन थोड़ा संयम रख के समय दे, सब चीज़ का निदान होगा। अरे मैडम, नगर निगम टैक्स लेती है सभी चीज़ों की, चाहे स्वास्थ्य टैक्स हो, सभी जगह की टैक्स लेती है, लेकिन जब थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है, कुछ दिन पहले जल संकट था पूरे शहर में, नगर निगम ने प्रयास किया तो काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हुआ। देखिए, ये तो मैं तारीफ नहीं करूँगी, अभी फिलहाल हम लोग आपदाएं जैसे जैसे पानी जैसे संकट थे, पूरे 148 वार्ड में, यहाँ तक कि ग्रामीण से भी मुझे आया है कि मैडम पानी का टैंकर भिजवा दीजिए, सिंटेक्स भिजवा दिए, तो मैंने पूरा प्रयास किया। जब उस आपदा में पूरा जनता हमारे साथ थी, तो ये तो मामूली है, पर साथ है, इसको भी खेप लेंगे आप समय रहते ही, बहुत जल्दी सुधार। क्यों नहीं नगर निगम सभी जनता के द्वार पर जाके जनता से सहयोग की अपेक्षा मांगे और उनसे भी कहे कि आप नगर निगम का सहयोग करें, कोई भी समस्या होगा तो नगर निगम आपके साथ। ये कौन कह रहा है कि हमारे नगर निगम से कोई नहीं जा रहा है? नगर निगम से मैं भी स्टाफ कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, जो समझ लीजिए, आज ये यहाँ पर चेयरपर्सन मैं आई हूँ, तो क्या मैं नगर निगम की नहीं हूँ? मैं तो जा रही हूँ, हर वादे बात जा रही, सबको सहयोग करने की मैं अपेक्षा रख करके, उनसे मदद लेकर के, जिस तरीके से हमारा जो एक छोटा सा स्टाफ नाली में डुबकी लगा करके रात में मैं उनको 1:30 बजे देखी हूँ काम करते हुए, जब वो अपनी जान पर जोखिम में कर करके किस तरीके से दरभंगा का पानी निकल सके वो कर रहे हैं, तो जनता नहीं कर सकती है। मैं तो जा रही हूँ, हमारे सभी पदाधिकारी जा रहे हैं, नगर आयुक्त कल थे, सारे दिन थे, आप लोग को ही पता होगा कि नगर आयुक्त भी कंटिन्यू साथ में थे। एक अंतिम सवाल है कि दरभंगा शहर से जल निकासी शहर से बाहर हो, इसकी समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण, जो अगर कहें कि पंडासराय गुमती से लेकर बेला गुमती तक जो रेलवे ट्रैक है, एक भी कलवर्ट नहीं रहने के कारण शहर का पानी शहर से बाहर नहीं जाता है, तो इसके लिए क्या कुछ कोई योजना विचार हो रही है? देखिए, योजना तो बहुत कुछ था, मास्टर प्लान था, लेकिन इस तरह इस चीज़ को करते करते भी थोड़ा समय लग गया। देखिए, आपको भी मालूम होगा, ये कोई एक हैंड में है नहीं कि कलम चला दिया तो वो हो जाएगा, ये पूरी टीम के साथ हो सकता है, वर्क हो सकता है, और उसके साथ इसमें भी समय लग गया। लेकिन मैंने कहा कि देखिए, सिर्फ एक नगर निगम में हमारे विधायक जी ने, मंत्री जी ने, सांसद जी सब यही के हैं ना, अगर सब मिलकर के कमेटी बनाए, सब मिलकर के एक योद्धा के तरह खड़े हो, तो दरभंगा हमारा मिथिलांचल नंबर वन पे होगा। लेकिन यहाँ पे कह देते हैं ये हमारा दोष है, ये नगर निगम का दोष है, तो ऐसे नहीं होता। हमारे दरभंगा में, हमारे मिथिलांचल में, हमारी गर्व की बात है कि विधायक, संसद, मंत्री नगर निगम में एकजुट होकर के अगर इन सब के साथ भी हो जाए, तो हम लोग ताकत बन जाएंगे, तो मिथिलांचल की खूबसूरती खुद से खुद आपके सामने में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे तब सब अपनी अपनी राजनीति कर लेते हैं, बीजेपी पार्टी ये वो कर देते हैं, कांग्रेस, ये नहीं, हम यहाँ पे जनता के हित के लिए सोचने आए हैं, काम करने आए हैं, तो हम अनुरोध करते हैं और क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं विधायक, मंत्री, सांसद जी से भी कि जितना हो सके हमारे मिथिलांचल को सहयोग करें। और मैं आपके चैनल से बता देना चाहती हूँ कि मुझे कहीं पर भी विधायक, सांसद या मंत्री मिलते हैं, मीटिंग में हो या पार्टी में या कहीं भी हो, मैं उनसे जरूर गुहार लगाती हूँ कि हमारे दरभंगा को आप डेवलप करने में हमारा साथ दें। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे हो सकता है, तो मुझे आप गाइडलाइन करें, और नहीं तो आपके अंदर में है तो आप ये काम निर्माण करें।